नमस्कार। सोशियोलॉजी या सोशल वर्क सब्जेक्ट से रिलेटेड है ये टॉपिक, फैमिली, परिवार। लेकिन इसका उपयोग और इसका इस्तेमाल, इससे क्वेश्चन जो है कहीं भी आ सकते हैं, किसी भी स्टेज पे आ सकता है, प्री मेंस, इंटरव्यू, कहीं भी, और आपके जनरल लाइफ के लिए तो ज़रूरी है। फैमिली के बारे में आप जानते हैं, परिवार क्या होता है, पति पत्नी प्लस बच्चे। जब तक बच्चा उसमें शामिल नहीं है तब तक वो हाउस होल्ड है, गृहस्थी है। लेकिन जैसे बच्चा शामिल हो गया, पति प्लस पत्नी प्लस बच्चा, तब वो परिवार। बच्चा माइनस हाउस होल्ड, गृहस्थी। फैमिली कई प्रकार की होती है, आप सब जानते हैं, लेकिन कुछ फैमिली के प्रकार के बारे में मैं बताना चाहूँगा, जिसके बारे में बहुत रेयर लोगों को पता रहता है। एक फैमिली होती है एटोमिस्टिक फैमिली। एटोमिस्टिक फैमिली का मतलब होता है कि जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवादिता जहाँ पे कूट कूट के भरा, उसमें एक व्यक्ति का ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस, महत्व होता है, और मुखिया के रूप में वही, उसी की बात, उसी की आदतें, उसी के डिसीजन, उसी के ऑर्डर, उसी के सब कुछ पद चिन्हों पर सब लोग को चलना पड़ता है, उस फैमिली को बोलते हैं एटोमिस्टिक फैमिली। इसका जस्ट रिवर्स है ट्रस्टीशिप फैमिली। ट्रस्टेशिप फैमिली मतलब जहाँ पे परिवार के हर मेंबर की बात सुनी जाती है, जहाँ पे सबको अपनी बात रखने की इजाजत होती है, जहाँ पे मुखिया अपने आप को सिर्फ उस परिवार के ट्रस्टी, चीफ ट्रस्टी के रूप में काम करता है, न कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, तो ऐसी फैमिली को बोलते हैं ट्रस्टेशिप फैमिली। तो बिल्कुल एटोमिस्टिक और ट्रस्टेशिप फैमिली एक दूसरे का अपोजिट है। एक में इंडिविजुअलिज्म है, यहाँ कलेक्टिवनेस, क्लियर है। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, कुछ एट्रीब्यूट्स इसके, कुछ एट्रीब्यूट्स इसके, एटोमिस्टिक के कुछ एट्रीब्यूट्स और ट्रस्टीशिप के कुछ गुण एट्रीब्यूट्स मिला दिया जाए, तो इसको बोलते हैं डोमेस्टिक फैमिली। जहाँ पे थोड़ी इंडिविजुअलिज्म भी हो, हाई डिग्री ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच भी हो, और हाई डिग्री ऑफ ट्रस्टीशिप कलेक्टिव फीलिंग्स भी हो, तो दोनों के एट्रीब्यूट्स जब ये किसी परिवार में दिखाई पड़ते हैं तो उस परिवार को बोलते हैं डोमेस्टिक फैमिली। तीन हो गया, अब आइए चौथा, न्यूक्लियर फैमिली। आप जानते हैं पति प्लस पत्नी न्यूक्लियर फैमिली हो गया, तो बस एक बच्चा है या दो बच्चे। लेकिन जैसे ही इसमें पति के साथ दो पत्नी आ जाती है, पति के साथ दो पत्नी आ जाती है, तो ये न्यूक्लियर फैमिली नहीं रह जाती, फिर इसको बदल के नाम हम कर देते हैं कंपाउंड फैमिली। पति प्लस एक पत्नी प्लस बच्चा न्यूक्लियर फैमिली, वन प्लस वन प्लस बच्चा। जैसे ही ये वन मेल या वन फीमेल प्लस टू मेल, वाइस वर्सा भी हो सकता है, तो एक पति प्लस दो पत्नी, ये बन गया कंपाउंड फैमिली, क्लियर है। अब आइए ज्वाइंट फैमिली। इसमें सीधा सीधा उपाय है कि इसमें तीन जेनरेशन होना जरूरी है, आप, आपके पिताजी और आपके बच्चे। जब तीन जेनरेशन एक साथ रहने लगता है तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली। कुछ और लोग भी आके, बुआ, मामी, चाची अगर आके रहने लगती है तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली के नाम बदल के एक्सटेंडेड फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली। तो ये हो गया एक्सटेंडेड फैमिली। और एक फैमिली होती है जिसका नाम है फिलियोसेंट्रिक फैमिली। फिलियोसेंट्रिक फैमिली का मतलब सीधा सीधा होता है, बहुत कम लोगों को ये शब्द सुनाई पड़ता है, ठीक से सुन लीजिए, फिलियोसेंट्रिक, FILIO सेंट्रिक, CENTRIC। फिलियोसेंट्रिक फैमिली का मतलब होता है कि जहाँ पे बच्चों का सबसे ज़्यादा जो है बात मानी जाती है, सुनी जाती है, उनके पैम्परिंग, लाड़ प्यार दुलार सबसे ज़्यादा किया जाता हो, जहाँ पे उनकी इच्छा और उनके सजेशंस और उनकी बातों को ध्यान से सुन के निर्णय परिवार में लिया जाता हो, ऐसी फैमिली जिसमें बच्चे ही सब कुछ होते हैं माँ बाप के लिए, उस फैमिली को बोलते हैं फिलियोसेंट्रिक फैमिली। और इस टाइप से और भी तमाम फैमिली के टाइप्स होते हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको बहुत कम सुनाई पड़ेंगे, इसलिए मैं इस पर वीडियो बनाना उचित समझा, कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच।